कहाँ जा रहे हैं मैडम? अरे कबाड़ घर में फालतू पड़ा है, फेंकने जा रही हूँ। ओह, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये कबाड़ को। पता है ना इसका कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? अरे तुम्हें कबाड़ से जुगाड़ लगानी नहीं आती ना, यही तो बात है, तभी सारा कबाड़ जाके फेंक आती हो। अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इस कबाड़ से हम कितनी अच्छी जुगाड़ लगा सकते हैं। चलो बताओ कैसे करना है। चलो चलो मेरे साथ, चलो फटाफट से बता दो। चलो चलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कबाड़ से जुगाड़। यहाँ मैंने लिए कुछ टूटे फूटे से बल्ब, आपको भी आपके घर में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और मेरा एक फ्लावर पॉट बिल्कुल ख़राब हो गया था, उसके कुछ फ्लावर्स मैंने यहाँ लिए हैं। अब इन्हीं से हम बनाने वाले बहुत ही अच्छी सी एक चीज़। तो चलिए सबसे पहले लेंगे एक बल्ब, और मैंने लिए एक जूट की रस्सी, और उसको लपेटना चालू कर दिया बल्ब के ऊपर वाले पार्ट में, कुछ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी आप फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक ग्लू या हॉट ग्लू का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज किया है। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ इसको स्लोली स्लोली आप आराम से कवर कर लें ऊपर का पार्ट इसी जूट से। देखिए अब ये ऑलमोस्ट कवर हो गया, सिर्फ इतना सा ही पार्ट जो है हमें कवर करना है। अब यहाँ पे मैंने हॉट ग्लू, जैसा मैंने बताया था, मैं यूज कर रही हूँ, और इसको स्टिक कर दूंगी। मैं क्या करूंगी, इसके अंदर थोड़ी सी हॉट ग्लू लगाऊंगी और इस रस्सी को कुछ इस तरीके से स्टिक करूंगी। ठीक है, वैसे ही सेम ही पैटर्न में मैं जो उसका अपोजिट साइड है वहां पे करूंगी। अब देखो ये स्टिक हो चुका है, अब इसे आप आराम से हैंग कर सकते हैं। तो क्या ये कंप्लीट है? जी नहीं, ये बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं है। इसमें हम यूज करेंगे इसको डेकोर करने के लिए थोड़े से ग्लिटर्स। तो मैं गोल्डन कलर का ग्लिटर यूज कर रही हूँ। देखिए आपको इस तरीके से ग्लिटर को अंदर डालना है, और फिर आप अपने बल्ब को जब मूव करेंगे तो जो ग्लिटर है वो पूरे बल्ब में अच्छे से फैल जाएगा। देखो इस तरह से आपको उसको मूव करना है। अब ये आपका जो पूरा ग्लिटरी बल्ब बन चुका है, अब इसको बस लास्ट टच हमें देना है। इसमें हम लाएंगे फ्लावर्स, और ये ऑलमोस्ट आपका एक ब्यूटीफुल सा शोपीस जो आप घर में हैंग कर सकते हैं, बहुत सुंदर सा लगेगा, ये रेडी है। तो कबाड़ से कितनी अच्छी लगाई हमने जुगाड़। अब हम लेंगे थोड़े से न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो हम रद्दी में बेच देते हैं, पर हम उससे आज बनाएंगे बहुत ही यूजफुल चीज। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर को लेना है, एक पार्ट आप लेंगे न्यूज़पेपर का और उसको ऐसे बीच में से टियर कर देंगे, यानी फाड़ देंगे। उसके बाद इसको भी आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, और उसको भी आपको इस तरह से फाड़ देना है, यानी टियर कर देना है। ठीक है, इस तरह के आपको पेपर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आप क्या करेंगे कि इसको आप स्टिक की हेल्प से फोल्ड करेंगे। तो ऐसे ही आपको स्टिक्स बनानी है न्यूज़पेपर की, और फिर उसको इस तरीके से रोल करना स्टार्ट करना है। देखिए प्रॉपरली इसको आप रोल करते जाइए। देखिए ये रोल हो गया, अब इसको फेविकॉल से आप स्टिक कर दो, तो ये आपका इस तरह का रोल बन जाएगा। अब अगर आपको इसे बड़ा रोल बनाना है तो आपको एक और स्टिक यूज करनी पड़ेगी, और आपको जहाँ पे इसका एंड हुआ है वहीं से आपको दोबारा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने फेविकॉल लगाया थोड़ा सा और वहीं से स्टार्ट कर दिया रोल करना।
देखिए ये साइज में थोड़ा बड़ा रोल बन चुका है, तो जितना बड़ा रोल उतनी आपको स्टिक्स ज्वाइन करते जाना है, तो आपका रोल जो है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने दो ही स्टिक वाला एक बड़ा रोल लिया है और एक एक स्टिक वाले एक एक सिंगल रोल्स लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको साथ में स्टिक कर देंगे फेविकॉल की हेल्प से। देखिए फटाफट से हम इसे स्टिक करते जा रहे हैं। देखिए ये पूरा स्टिक होके एक फ्लावर जैसा लुक दे रहा होगा आपको, एक फ्लावर बन चुका है। अब इसका क्या यूज है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। यहाँ पे हमने एक और रोल लिया है जिसमें हमने तीन स्टिक का यूज किया। ठीक है, तीन स्टिक का यूज करके बनाया है। अब हम एक स्टिक ले रहे हैं और इसको एक ट्रायंगल का शेप देना है, तो हमें बस सर्कल का मेजरमेंट के लिए हमने सर्कल के आसपास उस ट्रायंगल को फॉर्म करके देख लिया, जिससे हमें मेजरमेंट मिल गया और फिर उसको हमने स्टिक करके साथ में एक ट्रायंगल बना लिया। अब बीच में हम इसको आराम से सर्कल को स्टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल के ऊपर हम एक और लेयर बनाएंगे और उसे भी इसके साथ स्टिक कर देंगे। ये देखिए रेडी हो गया आपका पेपर कोस्टर, जिसपे आप कप ग्लासेस बोल्स कुछ भी रख सकते हैं जब चाय पीने के बाद पानी पीने के बाद। खुशी मैम हो गया, बन गया? बन गया है, खोल लीजिए आप अपनी आंख। ये आपने उसी बल्ब से बनाया है? जी हाँ बिल्कुल, जो आप फेंकने जा रही थी। क्या बात कर रहे हो मैम, ये कबाड़ से तो आपने बहुत सुंदर जुगाड़ की है। और नहीं तो क्या, इसलिए बोलती हूँ कि कबाड़ फेंकने से पहले हम उससे कितनी सारी जुगाड़ लगा सकते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। तो मैम मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे बल्ब रखे हैं, तो मैं ना आप कहीं जाना मत, मैं अभी और बल्ब ला रही हूँ, आप और बना देना, कहीं जाना मत, यहीं रुकना, मैं बस अभी आई। तो मैम आए उससे पहले हम फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं, तो आपको और ऐसी जुगाड़ चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, टिल देन स्टे ट्यून।